My most sincere greetings to everyone. This is Deepmala Sharma and I welcome you to my channel DS English. Today, in this video, I'll give you a brief summary as well as NCRT solutions of the chapter Madam Rides the Bus. The chapter is for the students of class 10th. It is their chapter number 9 from their main reader book First Flight. The author of the chapter is a famous Tamil writer, critic, journalist, and translator. वलिकानन वलिकान बेसिकली इज अट ऑफ आर एस कृष्ण स्वामी नाउ दिस स्टोरी मैडम राइड्स द बस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड सेंसिटिव स्टोरी ऑफ एन एट ईयर ओल्ड गर्ल वलिया माई और वल्ली इन शॉर्ट ये कहानी एक आठ साल की लड़की के बारे में है जिसका पूरा नाम है वलिया माई या जिसे शॉर्ट में वल्ली कहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी द स्टोरी मैडम राइट्स द बस इलेट्रेट्स द सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ यंग एट ईयर ओल्ड तमिल गर्ल वलिया माई वली वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड शी हैड नो फ्रेंड्स टू प्ले गेम्स विद सो हर फेवरेट पास्ट टाइम वॉज टू स्टैंड ऑन द डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच ऑल दैट वॉज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड तो देखिये ऑथर हमें किस तरह से वली से इंट्रोड्यूस कराते हैं ओल्ड चाइल्ड शी इज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स जैसे कि छोटे बच्चे होते ही हैं वाली जस्ट आठ साल की है और उसकी जो नेचर है वो काफी क्यूरियस है यानी कि अपने आसपास की चीजों के बारे में जानने के लिए जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत उत्सुक रहती है उसका जो फेवरेट पास टाइम है मींस मोस्टली वो क्या करती है वो अपने घर के बाहर के दरवाजे पर खड़ी रहती है और गली में क्या चल रहा है ये देखती रहती है क्योंकि उसकी गली में उसकी एज के बच्चे नहीं हैं कि जो जिनके साथ वो खेल सके लेकिन वो इसीलिए जो है यही करती रहती है कि अपने घर के बाहर के दरवाजे पर खड़ी रहती है और देखती रहती है जो कुछ भी स्ट्रीट में हो रहा है शी वुड वॉच पीपल गेट ऑन एंड ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन

हर एक घंटे के बाद वो बस वल्ली की स्ट्रीट से गुजरती है एक बार टाउन की ओर जाते हुए और दूसरी बार टाउन से वापस आते हुए अब इस बस को देखकर वो इतनी ज्यादा फैसिनेट हो जाती है इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है उस बस से कि उसका दिल करता है कि काश वो भी कभी ना कभी इस बस के अंदर बैठ कर जर्नी कर पाती और इसी चीज के लिए उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग सब शुरू हो जाती है हैंस शी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस टाइमिंग्स बाई लिसनिंग टू द कन्वर्सेश पीपल टेकिंग द बस राइड अब वो क्या करती है कि ये जानकारी इकट्ठी करती है कि किस तरह से वो बस राइड कर सकती है अकेली बस में जर्नी करना चाहती है और इसलिए वो खुद ही अपने लेवल पर लग जाती है कि जितने भी स्ट्रीट में लोग हैं ऐसे जो उस बस में राइड कर चुके हैं राइड करके उतरते हैं तो उनकी बातों को वो चुपके चुपके सुनना शुरू कर देती है इनडायरेक्टली उनसे क्वेश्चन भी पुटअप करती है एंड शी कलेक्ट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन कि हाउ कैन शी बी एबल टू राइड दैट बस सोन शी लर्न दैट द बस जर्नी फ्रॉम यलेज टू द नियरेस्ट टाउन अप्रॉक्सिमेटली 6 माइल्स और जल्दी ही वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है उसे पता चलता है कि ये जो बस जर्नी है उसके विलेज से लेके नियरेस्ट टाउन तक वो लगभग छः मील की दूरी तय करेगी द बस फेयर कॉस्ट थर्टी पैसे फॉर अ वन वे राइट और एक साइड जाने का किराया जो है बस से वो थर्टी पैसे रहेगा सो so, वली स्टार्टेड सेविंग इनफ मनी टू तो टेक अ राइड ऑन द बस और इसलिए वो काफ़ी पैसे जमा कर देना करना शुरू कर देती है ताकि वो अकेली बस में ट्रैवल कर सके अब देखिए इसके अलावा भी वो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है वो ये है कि जो बस है वो उसकी गली के पास से जैसे एक बजे के आसपास चलती है और एक साइड का जो उसका रन है वो फोर्टी फाइव मिनट्स का है यानी कि बस जो है बल्ली के गांव से और उस टाउन तक जाने में फोर्टी फाइव मिनट्स लेगी छः मील की दूरी तय करने के लिए और एक साइड का किराया कितना हो गया जी हाँ थर्टी पैसे एंड सिमिलरली फोर्टी फाइव मिनट्स ही वापस आते हुए लगेंगे ओके okay, टाउन से वापस जब वो अपने गांव में आएगी उसके स्ट्रीट तक आने में बस को फिर से 45 मिनट्स लगेंगे तो इस तरह से वो अंदाजा लगा लेती है कि कितना समय उसका लगेगा और 30 पैसे जाते समय और 30 पैसे आते समय उसे किराए के लिए इकट्ठे करने पड़ेंगे वली प्लान टू टेक द ट्रेवल इन द बस ड्यूरिंग द आफ्टरनून वेन वुड स्लीप और अब वो ये कोशिश करती है कि किस तरह से वो अपने घर से जाएगी अकेली बस राइड के लिए तो वो ये प्लान करती है कि दोपहर के समय उसकी मदर सो जाती हैं तो उस समय ये समय उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा बस राइड के लिए शी स्टूड ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर द बस एज द बस अराइव शी टोल्ड द कंडक्टर शी वुड वॉन्ट टू गो टू टाउन अब समय आ गया एक दिन वली ने डिसाइड कर लिया कि वो आज के दिन बस राइड के लिए जाएगी तो वो सड़क के किनारे पहुंच गई और जाकर उसने अपने छोटे से हाथ को हिलाकर बस को रुकवाने की कोशिश की और कंडक्टर ने बस को रुकवा दिया और वली ने कंडक्टर से कहा कि हाँ जी मैं बस राइड करना चाहती हूँ बस से जो है टाउन पर टाउन तक जाना चाहती हूँ द कंडक्टर हैपन टू बी ए जॉवियल पर्सन एंड रेफर टू हर एस मैडम एंड टोल्ड हर टू हॉप इन टू द बस एंड टेक हर सीट अब ये जो कंडक्टर था ये बहुत ही खुश मिजाज किस्म का बहुत ही मजाकिया सा पर्सन था क्योंकि वल्ली जो है वो इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे कि वो एक ग्रोन अप लेडी हो क्योंकि जैसे ही कंडक्टर ने उसको हाथ देने की कोशिश की उसकी हेल्प करने के लिए तो उसने कहा कि नेवर माइंड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ यू डोंट हैव टू हेल्प मी इस तरह से उसने कहा तो कंडक्टर ने कहा कि हाँ जी हाँ जी प्लीज़ मैडम आप मेरे साथ एंक्री मत होइए ओ प्लीज़ डोंट बी एंक्री विद मी माई फाइन मैडम और इस तरह से कंडक्टर ने उसे मैडम कहकर एड्रेस करना शुरू कर दिया और फिर बाद में कहा कि एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मे एक वे फॉर द मैडम और सब पैसेंजर से कहा कि प्लीज सब हट जाइए और मैडम के लिए रास्ता दीजिए तो इस तरह से वली जो है वो बस के अंदर चढ़ जाती है जब कंडक्टर उसे बहुत ही अच्छा सा बिहेव करता है और जब उसे वो छोटी बच्ची समझता है तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती वो कहती कि मेरे पास खुद के पैसे हैं मैं खुद अपनी जो फेयर है उसके पैसे लेकर आई हूँ और खुद अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो आई एम नॉट अ अच्छा, चाइल्ड ओके okay? एंड वो उसे मैडम कह के एड्रेस करना शुरू कर देता है एंड इसीलिए हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है मैडम राइड्स द बस तो हु इज द मैडम ये द मैडम इज दैट एट ईयर ओल्ड गर्ल वली कंसिडर्स टू बी अ ग्रोन अप पर्सन राइट तो फिर कंडक्टर से मुस्कुराते हुए पूछता है कि मैडम क्या हम चले और फिर उसने दो बार सीटी बजाई और फिर जो बस है वो आगे चलती गई शी गॉट इन टू हर बस क्विकलीट द बस वॉज पेंटेड इन ग्रीन एंड व्हाइट कलर ट्राइप एंड लुकड ब्रांड न्यू जैसे ही वो बस के अंदर चढ़ के बैठे उसने देखा बस बहुत खूबसूरत थी ये एक नई बस थी जिसके ऊपर व्हाइट कलर का पेंट हुआ था और ग्रीन कलर की और व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स भी बनी हुई थी द बस सीट फॉर लग्जूरियस एंड द राइड वॉज कम्फर्टेबल बस की सीट्स बहुत ही कम्फर्टेबल थी बहुत ही लग्जूरियस थी अंदर भी बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें सजावट के हिसाब से लगी हुई थी ड्यूरिंग द जर्नी वेल्ली एंजॉइड लुकिंग एट द ग्रीनरी आउटसाइड एंड द सीनिक नेचुरल ब्यूटी फ्रॉम द बस और वली बहुत एंजॉय कर रही थी वो बार बार बाहर देख रही थी बस से और बाहर बहुत सुंदर सुंदर ग्रीनरी उसे दिखाई दे रही थी और नेचुरल ब्यूटी जो है वो उसको बहुत खूबसूरती से देख पा रही थी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी अब वली जो थी उसकी हाइट काफी कम थी हालांकि बस के अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो उस समय बहुत ही कम थे पांच या छह पैसेंजर्स थे क्योंकि ये जो टाइम था ये काफी ऑट टाइम था उस समय ज्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते थे तो वली जिस भी सीट पर जाना चाहती वो चली गई थी लेकिन खिड़की से झांक कर देखने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एक मोटा सा कर्टेन भी लगा हुआ था तो वो जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हो ऊपर की साइड उचक कर खड़े होकर बाहर झांक कर देख रही थी तो तभी वहां पर उसे किसी ने कहा कि बेटा तुम इस तरह से मत देखो उसे जब एकदम से पीछे मुड़कर देखा कि कौन उसे टोक रहा है तो एक एल्डरली मैन था जो उसे कह रहा था कि तुम इस तरह से खड़े होकर या खिड़की से उचक कर मत देखो बाहर तो वल्ली को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी उसने कहा कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जिसको आप इस तरह से कह रहे हैं और मेरा मन कर रहा है देखने का तो मैं बाहर देखूंगी फिर कंडक्टर ने कहा कि हाँ जी आप इसको प्लीज रोके मत ये कोई छोटी बच्ची नहीं है ये तो ग्रोन अप लेडी है ग्रोन अप मैडम है और सभी जो सवारियां हैं वो कंडक्टर के साथ साथ हंसने लगी वल्ली भी धीरे धीरे मन ही मन में हंस रही थी वल्ली ने कहा कंडक्टर से कि आपने अब तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है तो ये आप थर्टी पैसे पकड़िए और मुझे अपनी टिकट दे दीजिए और फिर कंडक्टर ने वल्ली को उसकी टिकट दे दी पंच करके और फिर उसके बाद वल्ली फिर से अपनी जो है सीट पर खड़े होकर और बाहर की सीनरी को देख रही थी एंजॉय कर रही थी एंड तभी जो है क्या हुआ कि जैसे वल्ली जैसे ही देख रही थी तभी कि तभी एक और एल्डरली वुमेन एक बुजुर्ग सी औरत आकर वल्ली की सीट के ऊपर उसके पास ही बैठ गई अब जो ये वुमन है ये अननेसेसरी वली से बातचीत करना शुरू कर देती है पूछती है कि बेटा क्या तुम तो अकेली टाउन में जा रही हो तुम्हारे साथ और कौन है ओके okay, तो वो कहती है कि हाँ जी आप ना इस तरह से आ, मेरे से मत पूछो मैं बिल्कुल अकेली ही जा रही हूँ तो एल्डरली वुमेन जैसे इंट्रैक्ट करती है तो वल्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एक तो उसकी बात सुन के फिर ऊपर से उसकी ओर देख कर भी वो देखती है कि उसके कानों के अंदर बड़े बड़े होल्स हैं और वो अपने मुंह में जो है बीटल नट यानी कि पान जो है उसको च्यू कर रही है और उसका जो रस है वो एकदम बाहर टपकने को हो रहा है और उसकी स्मेल जो है वो भी आ रही थी जैसे चबाने की एंड साथ के साथ उसने बहुत ही बुरी अगली इयर भी कानों में पहन रखी हैं और वल्ली कहती है कि कोई भी ऐसे अगले से पर्सन के साथ सोशेबल नहीं होना पाएगा स्टिल वो उसका रिप्लाई करती है कि हाँ जी आएम ट्रेवलिंग अ लोन और आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एल्डरली वुमन उससे बार बार पूछते हैं पता भी है तुम्हें कौन सी गली में जाना है कौन से घर में जाना है तो वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ अब इसके बाद देखिए ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरह से वल्ली ने अपनी ये जो फर्स्ट जर्नी है बस की इसे प्लान किया था केयरफुल टेकिंग शी हैड टू मेक फॉर इट ऑथर बताते हैं कि किस तरह से बहुत ही मुश्किल से सावधानी से वल्ली ने सब चीजों को प्लान किया था और किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जब उसे कोई भी टॉफी चॉकलेट दिखती है बलून दिखती है टॉयज दिखते हैं तो अपनी टेम्पटेशन को रोक नहीं पाता लेकिन वल्ली ने इन सब चीजों को कंट्रोल किया और पेपरमेंट के लिए या बलून्स के लिए या इवन एक बार तो हमें कह सकते हैं कि एक राउंड अबाउट था मींस झूला था मेला लगा हुआ था झूला था उस झूले में बैठने के लिए भी उसको पैसे मिले थे लेकिन उसके पास पैसे होते हुए भी वो उस झूले के ऊपर नहीं चढ़ी और अपनी इन सब टेम्पटेशन्स को जो एक छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं दबा सकता उसने इन सब टेम्पटेशन को दबाया क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बल्ली के मन में थी बस में ट्रैवल करने के लिए सिर्फ इसीलिए तो किस तरह से उसने सिक्सटी पैसे जमा किए ऑथर हमें यह बताते हैं एंड साथ के साथ ये बताते हैं कि सिक्सटी पैसे जब उसके पास जमा हो गए तो वली ने कब प्लान किया कि वो बस के लिए ट्रैवल करेगी और तब उसने ये प्लान किया था कि उसकी जो मदर हैं वो दोपहर में एक बजे से लेकर चार बजे के बीच में शी नैप्स वो सोती हैं तो उस समय जो है वल्ली के लिए एकदम अप्रोप्रिएट समय रहेगा क्योंकि फोर्टी फाइव मिनट्स जाने के फोर्टी फाइव मिनट्स आने के और मान लीजिए दस पंद्रह मिनट वहाँ पर रुकने के बस के टाउन में तो इस तरह से उसने प्लान किया था कि वो बस से नीचे नहीं उतरेगी फोर्टी मिनट्स तक लगातार एक बजे से लेकर एक तक बैठ के वहां पहुंच जाएगी फिर वहीं पर ही वेट करेगी बस के दोबारा से चलने का बस के अंदर ही बैठकर बस से नीचे नहीं उतरेगी एंड वल्ली ने ये सब किया भी और फिर जब बस वापस आएगी टाउन से अपने गांव में तो इसी तरह से वल्ली भी वापस आ जाएगी नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी शी thoroughly थोरोली her हर बस राइड एंड amused when she शी सॉ young काउ that ran वाइल्डली इन फ्रंट ऑफ द बस एंड क्रॉस द रोड अब जो बल्ली है वो बहुत अच्छे से अपनी बस जर्नी को एन्जॉय कर रही थी अरे भाई करे भी क्यों ना उसने कितना ज्यादा प्लान किया था कितनी सारी अपनी ऐसी विशेष थी जिनको उसने दबाया था रेजिस्ट किया था तो वो देख रही होती है बाहर और एकदम से वो क्लैपिंग करना शुरू कर देती है खूब खुश होके क्योंकि एक छोटी सी काव वो देख पा रही है कि बस के आगे आगे दौड़ रही है और बहुत तेज वो काव दौड़ रही है ड्राइवर भी Uh, जो है वो हॉर्न दे रहा है काओ को ताकि वो uh, सामने से हट जाए सड़क से नीचे उतर जाए लेकिन जितना तेज ड्राइवर हॉर्न बजाता है काओ भी उतनी तेज ही भागने लगती है द ड्राइवर ब्लू द हॉर्न एज द काओ क्रॉस द रोड दिस वॉज अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर वल्ली एज शी रियलाइज हर ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग इन अ बस हेट फाइनली कम टू लेकिन वल्ली खूब एंजॉय करती है वो तेज तेज क्लैपिंग कर रही होती है खूब खुश हो रही होती है इतनी ज्यादा वो हंसती है कि उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं ये देखकर कोई उसे बोलता है कि आ, अरे लड़की तुमको ज़्यादा नहीं हंस रही अब वल्ली को बहुत ही बुरा लगता है फिर से मुड़कर कर देखती है कि ये कौन बोल रहा है तो वो फिर से देखती है कि वो जो एल्डरली वुमन उसके पास बैठी हुई वो जो कंडक्टर है वो बोल रहा था कि कुछ अपने लिए बात के लिए बचा लो तुम इतना ज़्यादा हंस रही हो लेकिन वल्ली खूब एंजॉय करती है एंड फाइनली जो है टाउन आ जाता है so wally as wally enjoyed watching the beautiful landscape outside the bus started getting empty as the passengers got down in their respective stops soon the conductor asked her if she would like to roam about the stalls in the town but she told him that she had limited money which she needed to take the return bus ride तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाउन आ जाता है और टाउन में जितने भी मार्केट्स हैं दुकानें हैं सब पैसेंजर्स अपनी अपनी जगह पर उतरना शुरू कर देते हैं और बस भी एक जगह पर जाकर रुक जाती है अब कंडक्टर सोचता है कि वल्ली तो नीचे नहीं उतर रही तो कंडक्टर ने कहा कि देखिए आपका टाउन आ गया है और आपके थर्टी पैसे जो थे आपने जो टिकट ली थी वो आपको यहीं तक पहुंचा सकते हैं तो आप चाहो तो उतर जाओ तो वली ने कहा कि नहीं मुझे उतरना नहीं है क्योंकि मुझे इसी बस में बैठकर वापस जाना है तो वो कहती है कि तो कम से कम आप नीचे उतर कर देख लो साइड्स वगैरह टाउन वगैरह कहीं जाना है आपने तो घूमाओ थोड़ा सा तो वली ने कहा अरे नहीं बिल्कुल नहीं मुझे बहुत डर लगता है ऐसे मैं नीचे उतर कर और अकेली कहीं भी टाउन में ऐसे नहीं जा सकती आस पास भी नहीं जा सकती मुझे बहुत डर लगता है तो कंडक्टर ने कहा कि अच्छा आपको बस में बैठ कर यहाँ तक आने में तो डर नहीं लगा अकेले और अब नीचे उतरने में डर लग रहा है तो उसने कहा कि हाँ बस ऐसा ही है कि बस में बैठ कर आने में क्या डर की बात है मैं नहीं उतरती नीचे तो कंडक्टर ने कहा कि ठीक है फिर सामने कोल्ड ड्रिंक है मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ कुछ मतलब पीने के लिए तो फिर वली ने कहा कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरे पास बस थर्टी पैसे ही हैं आप ये ले लीजिए और मुझे वापसी की टिकट दे दीजिए क्योंकि मुझे वापस अपने गांव जाना है तो कंडक्टर ने कहा उसे ऑफर किया कि देखो तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है ये मेरी ओर से तुम्हें एक ट्रीट होगी तो वली ने बहुत ही स्ट्रांगली मना कर दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं आप मेरे लिए कुछ मत लेकर आइए बस ये थर्टी पैसे लीजिए और मुझे अपनी टिकट दे दीजिए बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी ट्रीट होगी और फिर उसके बाद कंडक्टर वेट करता रहा चुपचाप खड़े होकर कि किस तरह से जो और पैसेंजर्स हैं वो आ जाएं और बस फिर वहां से वापस वापसी के लिए चल पड़ी अब वली बिल्कुल भी बोर्ड नहीं हुई थी वापसी में भी वो उसी तरह से जिस तरह से आते समय एंजॉय कर रही थी बस के बाहर देखना मूविंग ट्रीज़ को देखना मूविंग बस का उसका जो एक्सपीरियंस था बहुत ही एल्यूरिंग था उसके लिए अब उसने फिर से इसी तरह से अपनी बाहर की सीनरी को एंजॉय करना शुरू कर दिया लेकिन तभी उसने रास्ते में क्या देखा कि वो जो छोटी सी काउ थी वो जैसे एक काव जो है वो एनिमल वो मरा पड़ा था सड़क के किनारे उसे देखकर वल्ली बहुत ही सैड हो गई और उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही काव है कंडक्टर ने भी हामे सिर हिला दिया तो शी वॉज ओवरकम विडनेस वॉट है लवेबल ब्यूटिफुलर जस्टल वाई लो है लेक स्प्रेड ईगर्ड A fixed in its blood all over. अब वल्ली क्या देखती है कि किस तरह से इतना प्यारा सा इतना सुंदर सा ये जो पशु था ये जो जानवर था किस तरह से ये उछलती हुई काव जा रही थी वल्ली इसको देखकर कितनी एक्साइटेड थी कितनी खुश थी लेकिन अब वल्ली एकदम से उदास हो जाती है क्योंकि वो जो काव है शी इज नो मोर ब्यूटिफुल नाव शी इज नो मोर लवेबल नाव वो मर चुकी है और मरने के बाद वो जो काव है इस तरह से पड़ी हुई है सड़क के किनारे कि वली जो है उसको देखकर एकदम डर जाती है वो डरावनी दिखाई दे रही है एकदम ब्लड चारों फैला हुआ उसकी टांगे एकदम जैसे बिखरी हुई इस तरह से तो वल्ली जो है बहुत उदास हो जाती है इस चीज को देखकर और अब वो बस से बाहर खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती वो चुप करके अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है द कंडक्टर कैशअली स्माइल डेटर रिप्लाई वल्ली स्टेट ऑन द बस एंड लुक एट

बिल्कुल मत भूलना और इस तरह से बड़ी हंसी खुशी के साथ कंडक्टर और वल्ली वहां से विदा लेते हैं वल्ली जैसे ही अपने घर पर आती है वो देखती है कि उसकी मदर ऑलरेडी जगी हुई हैं और वो एक आंट के साथ बात कर रही हैं वो ऐसी आंट है उसकी जो साउथ स्ट्रीट में रहती है एंड शी इज़ अ रियल चैटर बॉक्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात होनी है और एक बार शुरू हो जाए तो बस चुपी नहीं होती और फिर उसके बाद आंट जो है वल्ली से कुछ पूछती हैं कि कहां से आई हो और इस तरह से तो वल्ली उसका कोई आंसर रिप्लाई नहीं करती और फिर उसके बाद उसकी मदर कहती हैं उसकी आंट से बात कर रही होती है और उसके रिस्पांस में वो जो बात कहती है वो ये है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो इतनी सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में चारों ओर हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है हम नहीं जान पाते इन सब चीज़ों के बारे में एंड मोर ओवर अगर मान लीजिए हम जान भी लेते हैं तो बहुत अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड हम नहीं कर पाते जैसे वल्ली ये चीज़ सुनती है अपनी मदर के मुंह से वो बिल्कुल एसोसिएट कर पाती है अपने जस्ट अभी के एक्सपीरियंस को जो कि उसने बस में किया हुआ होता है ट्रैवल किया हुआ होता है और वो कहती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं तो एकदम से मदर पूछते हैं क्या कह रही हो तुम तो वली ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं जो आप कह रही हैं वही मैं भी कह रही हूं अब जो आंट है वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है वो कहती हैं कि देखो इतनी छोटी सी लड़की है और किस तरह से बड़ों की बातों में टांग अड़ा रही है और ऐसा लगता है कि ये तो जैसे बहुत ही सयानी सी कोई औरत है और फिर उसके बाद वल्ली हंसती है क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो ये बात है या उसकी जो ये हंसी है उसे एक्चुअली बेसिकली इसशली कोई भी नहीं समझ पाएगा है ना कोई भी नहीं समझ पाएगा ना क्योंकि ये उसकी एकदम चुपचाप उसने जो ट्रैवल किया था बस जर्नी की थी इस बात की कहानी है तो बेटा यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है और इस स्टोरी का एक थीम जो है वलिकानन जो हमें देना चाहते हैं वो देखिए थ्रू वली इन मैडम राइट सबस वलिकानन वालिकानंद क्यूरियस द चिल्ड्रन द स्टोरी आल्सो शोज दैट हाउ इजीली चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड बाय न्यू थिंग्स एंड द क्यूरियोसिटी डजेंट एंड विदाउट देम एक्सपीरियंसिस द डिलाइट्स ऑफ फैंटेसी लाइफ इन देयर लाइफ तो आप ये थीम भी इस चैप्टर में प्रिपेयर करेंगे एंड मोर ओवर हियर एज यूजुअल आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पोज करके इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट कर सकते हैं ये सभी स्लाइड्स मैंने आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की बनाई हैं। ये वन बाय वन मैं स्वाइप कर रही हूं ताकि आपको इतना समय मिल सके कि आप स्क्रीन इसका लेकर रख सकें और वीडियो को आप चाहो तो पोज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हो तो बताइए बेटा कैसी लगी आपको स्टोरी Isn't it a beautiful story? And thank you so much for watching. Wish you all the best for your exams. Do well. Thank you so much.